तैमूर फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर शेख, फिर आया आपके लिए कुछ खास लेके। दोस्तों, कुछ दिनों से हम नदी की मछलियों की मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, तो आज हम दो मछलियों की मालूमात लेंगे जो कि नदी में पाई जाती है। ये मत्स्य खेती के लिए, जो कि फिश फार्मिंग कहते हैं, उसके लिए गुणकारी है। या कितनी गुणकारी है इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। हम आज जानेंगे महाशीर, जिसे खड़शी और वाडिस नाम से ही पुकारा जाता है और इंग्लिश में से टोर्सपा भी कहते हैं, इस मछली के बारे में देखेंगे। और दूसरी मछली जो है वो है पत्थर चाटू, इसको भी हम देखेंगे दोस्तों, जिसको इंग्लिश में दोस्तों ग्लॉसी गोबियस ग्यूरियस ऐसा कहते हैं। इन दोनों मछली के बारे में हम पूरी मालूमत देंगे दोस्तों आज आपको। महाशीर और पत्थर चाटू, ये दो नाम से भी ये विकसित है। पहले हम देखेंगे महाशीर के बारे में दोस्तों। तो महाशीर दोस्तों, ये नदी की मछलियाँ हैं। इसके आंग पे दोस्तों बहुत सारे जो खौले होते हैं वो दिखते हैं। महाशीर मच्छी जो होती है दोस्तों, मछली होती है, उसके शरीर पे बहुत सारे खौले होते हैं, इसलिए इसे खौलिया भी मराठी में कहते हैं दोस्तों। और खौलेदार होता है, इसलिए खौलिया भी इसे कहते हैं। इसके जो होठ होते हैं दोस्तों, जिसे लिप्स कहते हैं, ये जाड़ होते हैं, बहुत ही वजनदार होते हैं या बहुत ही मोटे होते हैं। और इसके होठों पे चार में जो होते हैं मूछें होती है। और इसमें बहुत सारे प्रकार इसमें भी दिखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। महाशीर इसका नाम होता है और इसमें बहुत सारे प्रकार देखने के लिए इस मछली के अंदर भी मिलती है। और इसके जो पुष्ट भाग होता है दोस्तों, शरीर के पुष्ट भाग के मिछले मतलब बीच के हिस्से में पुष्ट भाग के, इस मछली के का जो पुष्ट पर होता है दोस्तों, वो शरीर के बीच में होता है, मध्य भागी रहता है। और दूसरा जो पर होता है वो उसके नीचे भाग में पाया जाता है। और जो इसके सेपुट होती है दोस्तों, जिसे दुमची कहती है, इस मछली की दुम जो होती है वो दो हिस्से में दुभागी गई होती है। ये मछली बहते पानी में और एक बड़े जलाशय में, जिसे तालाब कहते हैं, उसमें पाई जाती है। इस मछली का सरासर दोस्तों देखेंगे, इसकी लंबाई देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों 1.2 मीटर से 2.7 मीटर तक इसकी लंबाई मापी गई है। तो दोस्तों, आज हमने देखा महाशीर, जिसे खड़शी और वाडिस भी कहते हैं और इंग्लिश में टोर्सपा भी कहते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों दूसरी मछली के बारे में, जिसका नाम है पत्थर चाटू, इसे इंग्लिश में ग्लॉसी गोबियस ग्यूरियस भी कहते हैं। मत्स्य बीज केंद्र के लिए, जिसे कहते हैं उत्फलन, जहाँ पे होता है मछलियों का, वहाँ पे ये इस मछली को दोस्तों हानिकारक माना जाता है। और दोस्तों, इसके अंदर मछली पालन के अंदर, फिश फार्मिंग के अंदर इस मछली को ज़्यादा डिमांड नहीं बताया जाता है, या ज़्यादा डिमांड नहीं होता इस मछली को। ये दोस्तों जो मच्छी होती है, जिसे पत्थर चाटू कैसे है कहते हैं, ये इटकर की कलर की होती है। और इसके शरीर पे खौले, जिसे कहते हैं, खौले नज़र आते हैं। खौले होते हैं, पत्थर के कलर की होती है दोस्तों। और मत्स्य पालन में इसे ज़्यादा डिमांड भी नहीं है। और जहाँ पे मत्स्य बीज तैयार होते हैं, वहाँ से इस मछली को दूरी रखा जाता है, ये हानिकारक होते हैं। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों, ताकि आप अगर मछली पालन करने जा रहे हो तो अपने फार्म में ये जो है ये मछलियों का आप सेवन ना करें, या अपने फार्म पर ना रखें। इसका जो सर होता है पत्थर चाटू मछली का, वो चपटा होता है और टोकदार होता है। और सर के हिसाब से इस मछली का जो आँख होती है वो बड़ी होती है। इस मछली के बैक साइड में दो पर होते हैं। इस मछली को दोस्तों पहचानने का एक अनोखा एक नमूना है दोस्तों, जिसे पहचानने के लिए दोस्तों, इस मछली को पहचानने की एक खून होती है, वो है कि इसके पेट के वहाँ पे एक पर होता है, इससे ये पहचाने जाता है दोस्तों। और ये जो पर का इस्तेमाल दोस्तों, ये मछली पत्थर को चिकटने के लिए करती है। इस मछली का जो दुम होती है दोस्तों, उसका जो पर होता है वो गोलाकार होता है, ये इसकी पहचान होती है। और ये मत्स्य खेती के लिए या फिश फार्मिंग के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है दोस्तों। आज हमने देखा दो मछली के बारे में, एक महाशीर और एक पत्थर चाटू। दोनों मछली के बारे में आपको क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने ये मछलियाँ देखी होंगी, आपने कहीं देखा होगा फार्म में, या आप कुछ फार्मिंग करते होंगे, तो इस दोनों मछली के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर शेख, तैमूर फार्मिंग में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।